नमो आदेश गुरु जी के ओम गुरु जी, श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मातांगी साधना, उच्चिष्ट चंडालिनी साधना और बहुत सारी साधनाओं के बारे में आप लोगों ने पूछा। उन सबसे बेहतर साधना है, उन सबसे कम डेंजरस साधना है, गृहस्थ भी कर सकते हैं, ये विप्र चंडालिनी प्रत्यक्षीकरण साधना है। बहुत सीक्रेट साधना नहीं है ये आपको खोजने से मिल भी जाएगा। लेकिन इस साधना को करने से पहले आप जो है अपने गुरु का परामर्श जरूर लें। 7 दिन की ये साधना है, ठीक है। एक अच्छा साधक इस साधना को अगर करे तो 7 दिन में उसके सामने विप्र चंडालिनी, जो माँ का रूप है, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और नहीं होता है तो फिर 21 दिन, 21 दिन में तय है, जो दूसरा 21 दिन करेगा उसमें इनका दर्शन जरूर होता है। तो चंडालिनी, उच्चिष्ट चंडालिनी, विप्र चंडालिनी 10 महाविद्या में आती है। माँ मातांगी है, उनका ही रूप होता है ये उच्चिष्ट चंडालिनी का। देवपुत्री हैं तो बहुत सारा इनका रूप है, जिसमें कि देव वार्ताली आती हैं, उच्चिष्ट वार्ताली आती है, उच्चिष्ट चंडालिनी आती हैं। तो विप्र चंडालिनी साधना जो है वो 7 दिन की साधना है। सीधे मुद्दे पे आता हूँ, इसमें करना क्या है। 7 दिन तक आप लोगों को, क्योंकि ये सात्विक मंत्र है, ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये साबर नहीं है, तो सात्विक विधि में क्या होता है कि आप बिल्कुल ही सात्विक रहेंगे, मतलब भोजन से सात्विक, शरीर से सात्विक, ठीक है। तो जिस जिस चीजों का सात्विक धर्म में फॉलो किया जाता है वो सब चीजें जो है वो सब चीजें आपको माननी पड़ेंगी। बहुत चीज आपका बैन रहेगा, जैसे भोजन आपको दिन में एक बार करना है, मतलब दिन में करना नहीं है, रात में करना है, और वो भी मीठा भोजन करना है, ठीक है। आप अपने बिस्तर पे नहीं सो सकते हैं, आपको सोना है नीचे, ठीक। तो पहले दिन आप दिन भर निराहार रहिएगा, भूखे रहिएगा, उसके रात में आप सोने जाइएगा किसी जगह पर जो कि आपका बिस्तर नहीं है, नीचे बिछा करके आप सोइएगा। उसके बाद आपको सो के उठना है, मध्य रात्रि में आप सो करके उठेंगे और कुछ मोट मीठा भोजन पाएंगे। आपका जो व्रत दिन भर का रहेगा, आप जब सो करके आधी रात में उठेंगे उस समय टूटेगा, और थोड़ा सा मीठा भोजन करिएगा, और उसके बाद किसी उच्चिष्ट जगह पे जाइएगा। उच्चिष्ट क्या होता है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, उच्चिष्ट का मतलब होता है अपवित्र। तो बहुत लोग शमशान समझेंगे, लेकिन और भी बहुत सारी उच्चिष्ट जगहें होती हैं जहां पर, मतलब उच्चिष्ट जगह आप ऐसे समझ लो ना कि जहां पर बैठ के आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, जहां आपको देख के लगे अरे नहीं यहाँ यार पूजा कैसे कर सकते हैं, तो वही आपके लिए विप्र चंडालिनी साधना के लिए सबसे उत्तम जगह होगा, ठीक है। तो आप वहां पर बैठिएगा और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा वो आप 2100 बार, ठीक है, 2100 बार आप इसको जाप करेंगे। जब आप इसको जाप कीजिएगा, पहले दूसरे दिन तो नहीं समझ में आएगा, तीसरे दिन से आपको अजीब अजीब चीजें अपने आसपास दिखेंगी, तो डरिएगा मत। मैंने शुरू में बोला कि गुरु से थोड़ा आप एक बार पूछ लीजिएगा कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, तो गुरु का आशीर्वाद लेके करिएगा। तो जैसे आप 2-3 दिन साधना कर लेंगे तो आपको विचित्र विचित्र चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। सपने आपके बहुत जबरदस्त आएंगे, सपनों में आपसे बहुत सारी शक्तियां आकर के संपर्क करेंगी, उसमें भी डरने का बात नहीं है। उन वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे वो रखिएगा आप अपने पास, ठीक है। और 7वें दिन माँ किसी रूप में आपके सामने उपस्थित होती हैं, ठीक है। जब माँ आपके सामने उपस्थित होती है तो आपको ना भयभीत होना है ना मोह में बन जाना है, आपको सीधे माँ को पकड़ना और बोलना ऐसा है माँ कि तुम अब मेरे साथ मेरी माँ के रूप में हमेशा रहो, हाँ, और मैं जो बोलूँ वो सब कार्य तुम करो, मेरे बुलाने पर तुम आना, ठीक। ऐसा नहीं कि वाह देख लिया माँ बहुत मोहक रूप में आई है, वाह माँ, या डर के भागने लगे, ऐसा नहीं करना है। जिनका 7 दिन में माँ का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है वो भी हड़बड़ाएंगे नहीं, वो अगले 21 दिन तक साधना करें, मतलब 7 के अलावा 21, तो उनको बिल्कुल दर्शन होगा। तो मंत्र क्या है, विप्र चंडालिनी का मंत्र है, एक ही बार बताऊंगा, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ओम नमः चामुंडे प्रचंडे इंद्राय, ओम नमो विप्र चांडालिनी शोभिनी प्रकर्षनी आकर्ष्य द्रव्य मानय प्रबल मानय हुम फट स्वाहा।
इस मंत्र को शुरू करने से पहले, जैसे मैं कुछ कुछ मंत्रों में बोलता हूँ, इसको बिल्कुल ही कंठास्थ कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जब आप उच्च स्थानों पर बैठते हैं तो बहुत तरह का एनर्जी अटैक हो सकता है, तो उसमें क्या करना है कि अपने आप को सिक्योर करके और जल्दी से जल्दी इस मंत्र को करके हट जाना। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं श्मशान में करेंगे, करो ठीक है, लेकिन श्मशान का एक टाइम लिमिट होता है, कोशिश करना चाहिए 15 मिनट से ज्यादा श्मशान में कोई भी क्रिया ना करें। तो इस मंत्र को आप 2100 पहली बार जपेंगे। तो क्या करना है, सुबह से भूखे रहे, ठीक है, बिल्कुल पवित्र रहे, रात में सो गए बेड पे नहीं किसी और जगह पे, नीचे बिछा कर सो गए, मध्य रात्रि में उठे, उसके बाद अपना व्रत तोड़ा, कुछ मीठा भोजन करके, उसके बाद उच्चिष्ट जगह पर चले गए, उसके बाद 2100 जाप किया, आकर वापस सो गए, ठीक है? ऐसा आपको निरंतर 7 दिनों तक करना है। किसी को इस साधना को जब आप शुरू करेंगे तो किसी को इस साधना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ये भी एक इसका सिद्धांत है। उसके बाद आपको कुछ कुछ चीजें दिखेंगी और अंत में माता का दर्शन होगा। तो ये था विप्र चंडालिनी प्रतिक्षिकरण साधना। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को भूतों से कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो आप मेरी किताब खरीद सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह और पूरे विश्व में ये मिलता है। इसके अलावा आप मुझसे बात कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके, उसको आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल दिखाई देगा, आप उससे डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट दे करके मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं चंडालिनी आप लोगों को कृपा बरसाए। आप सभी को आदेश 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 अलाख आदेश।